हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑल अबाउट हेयर पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने कुछ हेयर कट और कुछ हेयर स्टाइल जो कि आपको अच्छे लगेंगे। ये स्टार्टिंग में देख सकते हो आप मेरे बॉब कट, ब्लंट कट, क्लासिकल कट, शॉर्ट स्टेप कट, काफ़ी डिफरेंट तरीके का कट है इसमें, जो कि मैंने सबको जोड़ तोड़ के आपके लिए एक वीडियो बनाया है जो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। इसमें मेरे हेयर स्टाइल भी है। और सबसे पहले, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। साइड में जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाएं। ये आप कर्ल देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैंने अपने हेयर पे कर्ल किया था ये हाइलाइटिंग के साथ, ये देख सकते हो मेरा ऑल लुक। और ये मैंने रिबॉन्डिंग की थी बट इसका वीडियो डिलीट हो गया था, वरना मैं आपके साथ शेयर करती, काफ़ी अच्छे। और ये रिबॉन्डिंग आप देख सकते हो, आप इसका वीडियो देखना चाहते हो कि किस तरह से की है मैंने इतनी लंबी लेंथ पे, तो आप नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे चेक कर सकते हो, ये वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। आप सीख सकते हो आसानी से रिबॉन्डिंग करना, लॉरियल प्रोडक्ट से की है। और ये अगला हेयर कट, और ये उससे भी अच्छा हेयर कट। काफ़ी हेयर कट हमारे दिखने में मिलते जुलते लगते हैं, जैसे स्टेप किया हो। और ये बेबी कट आप देख सकते हो, बेबी ब्लंट कट है ये, थोड़ा और शॉर्ट। और ये आजकल चला हुआ है साइड से फ्रंट जो हम करते हैं साइड स्टेप कट, ये लुक आएगा साइड स्टेप कट में। ये वीडियो भी मेरा इसी चैनल पे है, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा लगता है। ये माधुरी दीक्षित के टाइम जो स्टेप कट करते थे हम फ्रंट से भी और बैक से भी, ये वो लुक है। और ये डायमंड कट, डायमंड कट आप देखना चाहते हो तो नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पर मेरे वीडियो आप वहाँ देख सकते हो। और ये मल्टी स्टेप कट, काफ़ी अच्छे अच्छे कट हैं। ये थ्री स्टेप पे मैंने सेल्फ हेयर कट पे कैसे कर सकते हो, तीन पोनी बना के किया था। मेरे इस पे 6 मिलियन व्यू हैं, आप देख सकते हो। इस वीडियो को भी काफ़ी अच्छी है। और ये लॉन्ग मल्टी स्टेप कट, काफ़ी अच्छे अच्छे हेयर कट किए हैं जो मैंने उसमें हैं। ये कुछ 45 डिग्री पे किया है मैंने। और ये क्लासिकल कट, इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। सारे हेयर कट मेरे नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे अच्छे। और ये हेयर स्पा, घर में अपने आप खुद हेयर स्पा कैसे कर सकते हो। और ये लॉरियल हेयर स्पा और रिबॉन्डिंग, हाफ हाईलाइटिंग भी की हुई है। और ये लंबे बालों पे आप कट कैसे कर सकते हो और आपकी लेंथ भी बची रहे। हाँ, ये हाइलाइटिंग की थी मैंने स्टिक्स प्रोडक्ट से स्टेप कट में, जो कि मैंने अभी अपने ऊपर दिखाई है। ये ग्लोबल हाइलाइटिंग थी जो कि मैंने इस तरीके से की थी। इन सब के वीडियो आपको नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पर मिल जाएंगे, आप वहाँ भी देख सकते हो। और यहाँ पर भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये लास्ट में ब्लो ड्रायर के साथ आप कर्ल कर सकते हो। ये रिवर्स लेयर कट आपने देखा होगा तो चेक ज़रूर कर लें, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। ये स्टेप कट और ये ब्लंट बॉब ब्लंट कट, सभी को मैंने जोड़ तोड़ के आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाया है। ये काफ़ी पतले बाल हैं, इनका ये लुक आया था कुछ इस टाइप से जो कि हमने किया था। इमो कट भी कर सकते हो आप इन पे, स्क्वायर लेयर कट है, स्क्वायर लेयर कट विद शैगी कट है ये। स्ट्रेट में भी काफ़ी अच्छा लगता है और कर्ल में भी आप देख सकते हो स्ट्रेट में इनका लुक कितना अच्छा आएगा। और ये फुल जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही डाला था आपके लिए हेयर कट का वीडियो। और सारे ये मूजर से या सीजर से आप किसी भी तरीके से अपने कट कर सकते हो। ये रोलर सेटिंग थी जो मैंने अपने ऊपर खुद करनी बताई थी, अगर आपके पास जल्दी जल्दी और आप कर्ल नहीं कर सकते तो काम करने से पहले अपने रोलर लगा सकते हो, उसके बाद निकालोगे तो आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ये सेल्फ हाइलाइटिंग जो कि मैंने अपने बालों पर ही की है, आप देख सकते हो आसानी से कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आता है सेल्फ हाइलाइटिंग का। और स्टिक्स के प्रोडक्ट से ही की है ये मैंने इस तरीके से। और ये लॉन्ग एडवांस कट, आपके हेयर भी लंबे रह जाएंगे और कट भी काफ़ी अच्छा आएगा। ये भी रिबॉन्डिंग की थी लॉरियल के प्रोडक्ट से, तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और ये मैसी हेयर स्टाइल आप अपने आप अपने बना सकते हो देख के, ये भी डिफरेंट हेयर स्टाइल जो मैंने अभी पार्टी वेयर लुक में डाला था थोड़ा सा। और ये बन जो कि आपने देखा होगा मेरे इसी चैनल पर, और मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और ढेर सारे लाइक तो ज़रूर करें। ये काफ़ी बन है, ये बन भी आपने देखा ही होगा और बनाया भी होगा। और ये HD ब्राइडल मेकअप किया था मैंने और साइड में अरेबियन हेयरडू इस तरीके का, तो आप ये नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे चेकआउट कर सकते हैं आपको अगर सीखना है या करना है। और मेरे काफ़ी सारे ब्राइडल के वीडियो हैं, बहुत सारे क्रैनॉन के पैक के, काफ़ी सारे डर्मा के। और ये हेयर स्टाइल भी आप देख सकते हो किस तरीके से लुक दिया था, ये हेयर स्टाइल भी। आप काफ़ी डिफरेंट तरीके से सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो तो
आप देख सकते हो, और यहाँ पर भी मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो आपको दूंगी। और ये सब साइड फ्रेंच चोटी, और ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। देखते हो मोर बना हुआ है फिंगर पे रिंग में, और ये चूड़ा। ये मेरा हेयर कट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, फ्रंट में आप पफ के साथ थोड़ा सा हेयर कट नीलम स्टाइल में किस तरीके से कर सकते हो, ये भी सेल्फ हेयर कट में मेरा वीडियो है, आप चेक कर लेंगे। और ये मेरी ब्राइडल साइड में चोटी के साथ, अगर ये आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे देख सकते हैं। और ये पार्टी वियर लुक साथ में हेयर स्टाइल, और ये मेरी अनुष्का स्टाइल ब्राइडल लुक। इसके बाद ये चोटी का लुक आप देख सकते हो, मैं शेयर करूंगी आपके साथ काफ़ी अच्छे अच्छे अपने वीडियो। और ये बन जो कि मैंने अपने हेयर पे अपने आप बनाया था, कई बार सोचते हैं कि अपने आप नहीं बन सकता है, सब हो जाता है अगर प्रैक्टिस करें तो अच्छे से। ये मेरी ब्राइडल का गजरा विद बन, और ये लॉन्ग हेयर पे इनके हिप लेंथ तक, लेंथ है हिप तक, काफ़ी लंबे बाल हैं। और ये भी मेरे अच्छे अच्छे वीडियो जो कि मैंने अपने ऊपर ही बनाए हुए हैं काफ़ी सारे हेयर डू। और ये मेरी ब्राइडल बन देख सकते हो, और इनका मेकअप देखना चाहते हो तो नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पर आप देख सकते हो। काफ़ी सारे हेयर स्टाइल हैं मेरे वहाँ पर, इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ जो कि आपको अच्छा लगेगा। ये ट्विस्टिंग बन देख सकते हो साइड में, और ये इस टाइप की चोटी, और ये मेरा ओवरऑल लुक। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।